नमस्कार। इंग्लिश लर्निंग के एक और ट्रिक भरे चैप्टर में आपका स्वागत है। यहाँ का जो ट्रिक है, कैची वर्ड है, वो या तो वर्ड के लास्ट में आर्की है और नहीं तो वर्ड के लास्ट में क्रेसी है। और जब भी टर्मिनोलॉजी के लास्ट में मतलब सफिक्स एज ए सफिक्स आर्की हो चाहे क्रेसी हो, तो शासन या तंत्र उसका हिंदी में मीनिंग होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। ये क्रेसी जो है, यहां पर हमने क्रेसी लिखा है, डेमोक्रेसी मतलब, डेमो का मतलब भले मुझे नहीं पता, लेकिन क्रेसी का मतलब शासन होगा नहीं तो तंत्र होगा, लोकतंत्र होता है। तो जहां पर भी क्रेसी हो चाहे आर्की हो, हम इसका एवरेज मीनिंग निकालेंगे शासन, शासन या तंत्र। ये कोई प्रशासन करने की व्यवस्था का नाम है। जो क्रेसी है या आर्की है, ये रूल करने का एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल का एक सिस्टम है। ये रूल के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिविलाइजेशन में जो कंट्री पर रूलिंग करने का जो प्रोविजन है वो अलग अलग तरीके का है। तो किस प्रोविजन को क्या कहा जाता है वो अभी समझते हैं। और इसका जो चैप्टर का नाम होगा वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होगा। गवर्नमेंट कितने तरह की हो सकते हैं? गवर्नमेंट बाय नन, किसी की राज नहीं है, सब मनमानी के राज है, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बना के रखा है, जिसको मन किया वो बम बंदूक लेकर के चल दिया, जिसको मन किया उसको मारा, जिसको मन किया उसको छिया, मतलब कोई तंत्र नहीं है। तो जब कोई तंत्र नहीं है तो उसको अराजकता बोलते हैं, और अराजकता को इंग्लिश में एनार्की बोलते हैं। आर्की इसमें है, एन आर्की कर दीजिए। आर्की ऑलरेडी हमने बताया है कि आर्की सफिक्स रहेगा तो शासन या तंत्र रहेगा, मतलब अराजक तंत्र हो गया ये, और उसको हिंदी में बेटर नाम है अराजकता। उसके बाद से गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, नोबल लोग होते हैं, कुछ श्रेष्ठ लोग होते हैं जो जो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे नोबल लोगों का जब राज्य होता है तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जनों का जो राज होता है उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और गवर्नमेंट बाय वन मैन विथ एब्सोल्यूट पावर, एकदम तानाशाह, जो मैं करूं मेरा मन करेगा वही मैं करूंगा, दुखी करके रखता है सबको, हिटलरबाजी करके रखता है। और ऐसे तानाशाह को इंग्लिश में ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी में किसी का कुछ नहीं सुनने वाला आदमी, उसको जो मन करता है वही करेगा, पगला पगलेट है वो। उसके बाद से एक होता है ब्यूरोक्रेसी, फिर यहां से क्रेसी आया, तो क्रेसी का मतलब किसी शासन व्यवस्था से ही है। और ब्यूरो जो है ये गवर्नमेंट में जो अफसर्स होते हैं, जो प्रशासन में जो लोग होते हैं उनको ब्यूरो बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वो लोग राज को चलाते हैं, उनके अनुसार व्यवस्था चलती है, वो सही गए तो सही, वो गलत गए तो गए, उनको प्रसन्न करके आपको काम कराना है, तो उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद से डेमोक्रेसी, हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। क्रेसी लास्ट में आया है, क्रेसी मतलब शासन या तंत्र, तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। जहां भी डेमो आए, डेमो मतलब लोग लगाइए, पब्लिक लगाइए, लोक लगाइए। रूल बाय ओल्ड मैन, अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा राज्य किया जा रहा हो तो वृद्ध व्यक्ति को लैटिन में जेरोंटो बोलते हैं, जेरेंटो बोलते हैं। तो जेरेंटो जो हो गया वो वृद्ध व्यक्ति का नाम है, और जो जेरेंटो जो राज करेगा उसको जेरेंटो क्रेसी बोलते हैं। महिलाओं का शासन, और महिला के लिए इससे पहले वाले चैप्टर में ही हमने बता रखा है कि महिला के लिए गाइनो यूज करते हैं, तो गाइनोक्रेसी मतलब महिलाओं का शासन। हायरार्की एक होता है, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में और एचआर मैनेजमेंट में जब हम मोटिवेशन चैप्टर की चर्चा कर रहे थे तो उसमें मेस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने नीड की एक हायरार्की बना के रखी है, मतलब एक 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 स्तर बना के रखा है, उसमें सामूहिक शासन होता है। ग्रुप ऑफ पीपल जब भी शासन करेंगे तो उसको हायरार्की बोलते हैं। उसके बाद से योग्यता के अनुसार शासन, योग्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिट कहते हैं। तो अगर कोई कंपटीशन हो, कंपटीशन में कोई टॉप करे,
चाहे क्राइटेरिया जो कुछ भी हो, कंपटीशन में टॉप करे अगर वो आदमी राज करते हैं तो उसको मेरिटोक्रेसी बोलेंगे, क्योंकि मेरिट वाला राज कर रहा है वो, अंगूठा छाप वाला राज नहीं कर रहा है। उसके बाद से होता है भीड़ होती है, क्राउड का एक राज होता है, कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहां पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भीड़ का कोई भी रूप हो सकता है। तो भीड़ को इंग्लिश में मोब कहते हैं, तो जब क्रेसी लगा देंगे तो मोबोक्रेसी हो जाएगा। मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र, राजा का शासन, गवर्नमेंट बाय ए किंग। बहुत समय तक नेपाल में राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था। तो जब राजतंत्र होता है, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये जो सिलसिला चलता रहता है राजघरानों का, उसको मोनार्की बोलते हैं, राजा का शासन, राजतंत्र। उसके बाद से गवर्नमेंट बाई ए फ्यू पीपल इन पावर, कुछ कुछ छोट चिन्ह जो कुछ लोग ऐसे मिलजुल करके और अल्पमत की सरकार बनाते हैं, उसको ओलिग्राफी गार्की बोलते हैं। उसको बाद से धनी व्यक्तियों का एक शासन होता है, कुछ कुलीन लोग होंगे वो मिलजुल करके अगर शासन करते हैं, रिच मैन अगर कुछ शासन करते हैं तो रिच को प्लूटो कहते हैं, रिच को लैटिन में प्लूटो कहते हैं। तो प्लूटो जो राज करेगा उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद से गवर्नमेंट बाई मेनी मैन, बहुत लोग होते हैं गवर्नमेंट के पार्ट और बहुत लोग मिला जुला करके भी गवर्नमेंट चलाते हैं, और ऐसे सिस्टम को पॉलीआर्की कहते हैं। जब भी पॉली आए तो बहु हो जाएगा, पॉली पॉली मतलब बहु, बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब सास बहु वाली नहीं, बहु मतलब ज्यादा, बहु मत मतलब ज्यादा मत। उसके बाद से रूल बाय मिलिट्री, मिलिट्री का जब राज होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे म्यांमार हो, मिलिट्री का जब राज होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब सैन्य शासन, मिलिट्री राज। गवर्नमेंट विच रिगार्ड्स गॉड एज इट्स हेड एंड इज गवर्न्ड बाय प्रेस्ट और क्लेरगी मैन। गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो भगवान को प्रमुख माने और जो भी पुजारी होते हैं भगवान की, उनके द्वारा अगर राज होता हो, पुरोहितों के द्वारा राज किया जाता है, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब पुरोहितों द्वारा किया हुआ राज। तो इस तरीके से आप जब भी इंग्लिश का एग्जाम दीजिए, अगर उसमें क्रेसी आ रहा है या आर्की आ रहा है, तो शासन या तंत्र मीनिंग लगा करके आगे बढ़िए, आप जरूर अपने तुक्केबाजी में सफल हो जाएंगे, कई बार तो एग्जैक्ट भी आप में सही हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवीजन कीजिए, तीन बार आपको रिवाइज करना है, तीन बार आप वीडियो को देख लीजिए और ये जितने भी टर्म्स हैं ये आपके अपने हो जाएंगे और एग्जाम हॉल में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।